हम खड़े हैं विदिशा जिले के छोटे से गांव मानोरा में, जिसे मिनी जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। जगदीशपुरी के नाम से मशहूर है ये। और आषाढ़ सुधी दूज को, जो कि 14 जुलाई को पड़ रही है, विशाल रथ यात्रा निकलती है। इस छोटे से गांव में उमड़ पड़ता है भक्तों का और दर्शनार्थियों का सैलाब। विशाल जगदीश रथ यात्रा में शामिल होकर जब लोग अपने आप को धन्य मानते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग पिंड भरते हुए यहां पर पहुंचते हैं। आस्था का मंदिर है, आस्था का सवाल है। यहां पर जो आसपास झंडे दिखाई दे रहे हैं, मंदिर में जो थापे लगे हुए हैं वो मन्नत के थापे होते हैं और आस्था के मन्नत के झंडे होते हैं और मन्नत के ही पिंड होते हैं। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो अपने भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर दंडवत करते हुए आते हैं। मूल रूप से कहा जाए तो ये मंदिर जो मनोरा में मेरे पीछे जो जगदीश स्वामी का जो प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर करीब 300-200 साल पुराना बताया जाता है। और यहाँ के पूर्व तरफदार माणिक्यन और उनकी पत्नी पद्मावती, जो यहाँ पर भगवान की अनन्य भक्त थी और भगवान के दर्शन करने के लिए पैदल ही यहाँ से चल पड़े थे, दंडवत करते हुए चल पड़े थे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी। लेकिन जो गंडक भरा रास्ता था, जो काफी जटिल रास्ता था, दुर्गम रास्ता था, ऐसे रास्ते में उनका पूरा शरीर जब लहूलुहान हो गया छिलकर, तो भगवान को तरस आया और भगवान उनको दर्शन देने के लिए वहीं प्रकट हुए और उनकी इच्छा जानी। तो उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करने जा रहा था आपके, मानचंद और उनकी पत्नी ने इच्छा जताई कि मैं आपके दर्शन करने जा रहा था। तो भगवान ने कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे गाँव में तुमको हमेशा के लिए दर्शन देने आऊँगा। और तभी से ये मान्यता है कि जगदीश रथ यात्रा के दिन भगवान स्वयं यहाँ पर पधारते हैं और उनके रथ में आरूढ़ जगदीश स्वामी के, बलभद्र भगवान के और सुभद्रा देवी के दर्शन करके यहाँ पर हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। पत्रिका के फेसबुक पेज पर लाइव आप देख सकेंगे इस प्रोग्राम के, इस जगदीश रथ यात्रा का 14 जुलाई को लाइव प्रसारण किया जाएगा। आपको सबसे पहले दिखाया जाएगा कि किस तरीके से भगवान रथ में आरूढ़ हुए और कैसे लाखों की जनसमूह के बीच में भगवान का रथ यात्रा निकलती है।